पहला सवाल अभिजीत दत्ता का कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास पीएनबी गिल का 379 शेयर है 80-20 के भाव पे, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती हूँ। और सर मेरे पास केजीआई इंडस्ट्री है, मैंने पहले भी पूछा था, वो 62 शेयर है अभी 1450 के दाम पे। सर दोनों सर चीज बता देंगे सर लॉन्ग टर्म के लिए। ओके सरवन जी, पीएनबी गिल्ट 379 पे है, 379 शेयर है इनके पास 80 रुपये 20 पैसे, और केजीआई इंडस्ट्रीज भी इनके पास 1550 वाला है, दोनों पर आए चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक रही पहले इनके पीएनबी गिल्ड्स की बात, देखिए इसमें वॉल्यूम्स अच्छे हुए हैं, आई थिंक डेफिनेटली कुछ न्यूज एक्शन रहा होगा, मैंने उसको ट्रैक नहीं किया, बट जिस तरह के वॉल्यूम्स हुए हैं और डिलीवरीज गई हैं आई थिंक लास्ट 4-5 दिनों में, एक अच्छा शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रैक्शन मोमेंटम हम यहाँ बोलेंगे, काफी एक लॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज में रहा है ये, काफी महीनों की एक रेंज बनाई थी इसने और उसको कहीं ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक और मोमेंटम उसमें डेवलप होगा जब ये अपना पिछला सुझाई निकाल लेगा तकरीबन 94-95 के आसपास जो इसके लेवल्स हैं, बट आई थिंक फिलहाल एक अच्छा ट्रैक्शन शॉर्ट टर्म में भी बना हुआ है और मुझे लगता है कि ये जो गैप इसमें आया 1.75 के बीच में, आई थिंक एज लॉन्ग एज ये गैप होल्ड कर लेता है मुझे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में तकरीबन 82-85 के टारगेट्स लग रहे हैं और मीडियम टर्म में लग रहा है कि 94-95 वाला हाई चैलेंज करेगा और जब ब्रेकआउट करेगा तो और भी बेहतर टारगेट्स आएंगे, बट फिलहाल होल्ड की राय है 70 रुपए के नीचे कहीं एक क्लोजिंग वाली स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखे पीएनबी गिल्ड्स में। और जो दूसरा इनका स्टॉक है केआई, आई थिंक काफी बढ़िया चला हुआ स्टॉक है, आई थिंक इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट कर ले, काफी दिन से मेरे ख्याल से ट्रेड में होंगे और बढ़िया पैसा बन रहा है। आई थिंक जो मुझे अब अच्छे स्टॉक्स कहीं जो मिल रहे हैं जो पिछले स्विंग्स के आसपास और उसके नीचे, आई थिंक 20-60 के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस लगाए तो मेरे हिसाब से 2344 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं और केआई इंडस्ट्रीज में भी फिलहाल एटलीस्ट एक महीने भर बने रहे और चाहे तो महीने भर बाद दोबारा राय ले सकते हैं। ओके, एक महीने भर बाद देखिएगा और इसमें बने रहने की राय है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।